गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिस्ट्री तथा पॉलिटिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही लास्ट में हम कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन भी देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी आपके आने वाले पेपर हैं, जैसे कि क्लर्क हो गया, JOIT हो गया या अन्य जो भी एग्ज़ाम है, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, तो उसमें यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित किस भगवान की आकृति थी? तो किसकी आकृति अंकित थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में? पशुपति की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पशुपति। नेक्स्ट देखिए, एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ? तो एशिया के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। त्रिरत्नों पर किसने बल दिया? तो त्रिरत्नों पर किसने बल दिया? महावीर ने बल दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, महावीर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? बीजापुर और अहमदनगर पर इन्होंने राज किया। ऑप्शन सी और डी इसका सही आंसर होगा, फाइनल आंसर की के हिसाब से। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने जिसका आविष्कार किया वो किसका किया? सितार का। तो सितार के साथ अमीर खुसरो का नाम जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि सितार का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो ने किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस पर विजय का स्मारक है? तो अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गुजरात विजय पर स्मारक है, गुजरात विजय का स्मारक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, हु रॉट तुगलकनामा? तो तुगलकनामा किसने लिखा? तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखा। ऑप्शन बी, सेवन्थ का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन देखिए, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो मराठा और अफगान के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रुद्रदमन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट? तो रुद्रदमन एक महानतम शक्शासक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रुद्रदमन एक महानतम शक्शासक था। टेंथ क्वेश्चन देखिए, खजुराहो टेंपल्स आर एसोसिएटेड विद? तो खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? तो खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं? ये बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर होगा, जैनिज्म और हिंदुइज्म से ये दोनों संबंधित है, जैनिज्म और हिंदुइज्म, इन दोनों से ये मंदिर संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, टेंथ का ऑप्शन डी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई? दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा नहीं की गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाई? सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया? तो सती प्रथा को किसने गैरकानूनी घोषित किया? सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने गैरकानूनी घोषित किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे गैरकानूनी घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अजमल खान, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी एम ए जिन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हु फाउंडेड दिस स्कॉट्स मूवमेंट? स्कॉट आंदोलन की स्थापना किसने की? तो स्कॉट्स आंदोलन की जो स्थापना है वो किसने की? लॉर्ड बार्डिन पॉवेल ने स्कॉट्स आंदोलन की स्थापना की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लॉर्ड बार्डिन पॉवेल। ऑप्शन डी, लॉर्ड बार्डिन पॉवेल। 15 क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हेल्ड एट? स्वराजियों की प्रथम जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? तो स्वराजियों का प्रथम सम्मेलन जो है वो इलाहाबाद में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द ट्रायल ऑफ INA हीरोज वाज हेल्ड एट? INA के नायकों पर मुकदमा कहाँ पर हुआ? तो INA के नायकों पर मुकदमा जो है वो दिल्ली में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत ने स्वतंत्रता हासिल की तो अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? ये थे क्लेमेंट एटली, ये थे अंग्रेज प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्लेमेंट एटली। 18th क्वेश्चन देखिए,
हु सैड पॉलिटिकल फ्रीडम इज दी लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन, राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राण वायु है, यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था, ये अरविंदो घोष ने कहा था, अरविंदो घोष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट देखिए, महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड दी, महादेव गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना की थी? तो गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग, तो करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया था? तो ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हु इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वाइस प्रेसिडेंट। 21, 22 क्वेश्चन देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दी रेजिडरी पावर वेस्ट विद दी, संविधान के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो ये किस में निहित हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट में निहित हैं, केंद्र सरकार में ये निहित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई है? तो किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई है? आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी खुद की उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़, डी दमन एंड दीव। तो दिल्ली की अपनी खुद की उच्च न्यायालय है, 24 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दिल्ली की अपनी खुद की उच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 25 देखिए, जब एक संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है तब तब संविधान कहा जाएगा। तो जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जटिल हो जाती है, तब संविधान को क्या कहा जाता है? तो तब संविधान कहलाएगा रिजिड, जटिल कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रिजिड। 26 देखिए, लोकसभा चुनावों की घोषणा के लिए कौन अधिकृत है? तो लोकसभा के चुनावों की घोषणा के लिए प्रेसिडेंट अधिकृत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 26 का ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। 27 देखिए, विच इज द हाईएस्ट लोकल बॉडी इन द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानिक स्वशासन में सर्वोच्च स्थानिक निकाय निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोकल सेल्फ जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें जो सर्वोच्च स्थानिक निकाय है वो कौन सी है? वो जिला परिषद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिला परिषद। 29 देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, जनसंख्या, क्षेत्र, सार्वभौमता, लोकतंत्र। तो कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डेमोक्रेसी। भाषा के आधार पर निर्मित भारत का प्रथम राज्य था, तो भाषा के आधार पर निर्मित जो था भारत का प्रथम राज्य वो कौन था? ये आंध्र प्रदेश था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर निर्मित भारत का प्रथम राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज, भारत में स्थानिक स्वशासन के जनक कौन है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर हैं भारत में वो कौन है? वो लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लॉर्ड रिपन। इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास, निम्न में से किस वर्ष नियमन अधिनियम पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। कोई भी राजनीति धर्म विहीन नहीं है, किसने कहा था? तो कोई भी राजनीति धर्मविहीन नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी ने, M.K. गांधी ने कहा था। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33, हु इज दी ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का आधिकारिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, आधिकारिक अध्यक्ष होता है, वो राज्यपाल होता है। 33 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, गवर्नर। 34 देखिए, हु हैज़ फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का खाका किसने तैयार किया?
तो भारतीय संविधान का जो खाका है वो किसने तैयार किया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये तैयार किया, संविधान सभा ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 34 का संविधान सभा। 35 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु रॉट दी बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी? ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एम विश्वेश्वरैया ने यह पुस्तक लिखी। 37 देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में ही व्यय की प्रत्येक मद का ताज़ा आकलन कहलाता है। फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर क्या हुआ 37 का? इसका सही आंसर होगा जीरो बेस्ड बजटिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 38 देखिए, मौद्रिक तथा वित्तीय जानकारी के संग्रहण तथा प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? आरबीआई इसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आरबीआई। 39 क्वेश्चन देखिए, दी गांधियन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जो गांधियन अर्थव्यवस्था थी वो किस सिद्धांत पर बेस्ड थी? तो ये किस सिद्धांत पर आधारित थी? 39 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ट्रस्टीशिप पर ये आधारित थी। ऑप्शन सी, दी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो कहाँ से रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी सबसे पहले? ये महाराष्ट्र से सबसे पहले शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। द पर्पज ऑफ वर्ल्ड बैंक इज टू, तो विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का उद्देश्य है गिव इंटरनेशनल लोन फॉर डेवलपमेंट पर्पज, विकासशील देशों में परियोजनाओं में सहायक बनना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गिव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गिव इंटरनेशनल लोन्स फॉर डेवलपमेंट पर्पज। 42 देखिए, नवार्ड इज एन, तो नवार्ड क्या है? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। तो नवार्ड क्या है? नवार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये वित्तीय संस्थान है, ऑप्शन बी। 43 देखिए, नासिक में कुंभ किस नदी के किनारे होता है? तो नासिक में जो कुंभ है वो गोदावरी नदी के किनारे होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गोदावरी नदी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाई, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास विवरण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यूएनडीपी। हु डिक्लेयर्स द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारतीय साख नीति की घोषणा कौन करता है? तो ये आपको पता ही है, आरबीआई इसकी घोषणा करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आरबीआई। 46 क्वेश्चन देखिए, आईआरडीए एक क्या है? वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, एक एनजीओ है, या फिर एडवाइजरी बॉडी है? तो आईआरडीए एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वैधानिक निकाय है आईआरडीए। मध्य प्रदेश में मुद्रणालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज करंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन एमपी? तो करंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है एमपी में वो कहाँ? देवास में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, देवास। निम्न में से कौन सा असीन का सदस्य नहीं है? म्यांमार, भारत, लाओस, या फिर मलेशिया? तो इंडिया असीन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इंडिया। 49 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की राजस्व आय का स्रोत नहीं है? तो इनमें से केंद्र सरकार की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? इनकम टैक्स, निगम कर, या फिर कृषि आयकर, या सीमा शुल्क? तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है इनकी इनके राजस्व का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कृषि आयकर। भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने वाले
नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ से संबंध रखते हैं? ये यूएसए से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नॉर्मन बोरलॉग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ फ्रॉम यूएसए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आगे वाले एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।